आमार जीवन सदा पापी नहीं को पुनीर जीवन रे उद्वेग दिया कत दिया जीवेर निद्रा
श्रेष्ठ लागे असठ चरण लोभ हत सदा कामे प्रतिष्ठ लागे असठ चरण लोभ हत सदा कामे नहीं को तो निरले न दुर्जना सजन वर्जित अपराधे निरंतरा शुभ कार्येषु सदानर्थ मन नाना दुखे जर जा निरले पाय कते दीना किंचना अति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख जीवन परे रे उद्वेग दिया कत दिया Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Jagatnatha Baladeva, Jaya Mashubhadra, Jaya Sudarsha, Jaya Jagatnatha Baladeva, Jaya Mashubhadra, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gopala Nandalala, Gopala Jaya Nandalala, Jaya Gopala Nandalala, Gopala Jaya Nandalala, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. धन्यवाद। मेरा जीवन सदा पाप पूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ है, अतः मुझ में पुण्य लेश मात्र भी नहीं है। मैंने दूसरों को अत्यधिक क्लेश दिया है। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पाप पूर्ण कार्यों को करते हुए भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूँ। मैं सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं। मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूँ। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोन्मत तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूँ। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण हैं। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है। मैं सदा लालच के वश में रहता हूँ तथा कामेच्छाओं से भरा हुआ हूँ। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुषों ने मेरा त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराध में रत हूँ।
समस्त पुण्य कर्म से हीन हूँ तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है। इसी कारण बस मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ। अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् भगवते तो हम लोग भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान से पढ़ रहे हैं। कल हम लोग श्लोक संख्या 5 पढ़े थे, आज 6 पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़े हैं प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। अजोपि सन्नव्ययात्मा। अजोपि सन्नव्ययात्मा। भूतानामीश्वरोऽपि सन्। भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय। प्रकृतिं स्वामिन्दश्चाय। सम्भवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद
स्वामी जी महाराज के द्वारा। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है, यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई अस्थाई शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपने अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति छीन नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारा अवस्था तथा कुमारा अवस्था से तरुणा अवस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में भूत वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी छीन होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसे अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, और जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त के परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम ने वे अपनी माता के समक्ष नारायण में चार भुजाओं और तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आदि शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या
घटनाओं पर आधारित रूप में विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं है। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोकों में इसकी व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर। तो कल हम लोग चर्चा किए थे, कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, जब अर्जुन पूछे कृष्ण को कि आपने तो बताया ही कि दिव्य ज्ञान जो है आपने सूर्यदेव को दिए थे विवश्वान, तो आप तो बड़े छोटे हैं उनके उम्र से, आप कैसे दिए उनको ज्ञान। तो फिर कृष्णा बोलने लगते हैं, तो कृष्णा पांच श्लोक नंबर 5 से लेकर 15 तक इस अध्याय में अपने भगवत्ता के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। इसलिए 5 श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण यहाँ पे बहुत सारे चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान कैसे वो भगवान है, हाउ ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो समझना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रभुपाद बड़े अच्छी तरह से इसको समझाए भी है। तो अभी इसी श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं फिर से कि कैसे वो, क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि ये कैसे कृष्ण जो है सब कुछ याद रखे, कितने बार जन्म हुए, कब जन्म हुए, सारा चीज रिकॉर्ड कैसे रखे। तो इसलिए कृष्ण बता रहे कैसे ये संभव है उनके लिए याद रख पाना उनके पूर्व जन्म, विगत कितने भी जन्म के बारे में, जितने भी जन्म जितने बार आविर्भाव हुए हैं इस भौतिक जगत पर, वो सारा उनका याद है, लेकिन अर्जुन को एक भी याद नहीं है। तो इसलिए कैसे याद है ये और क्यों ऐसे संभव है, तो कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं। बोल रहे हैं कृष्ण कि यद्यपि वही अजन्मा तथा अविनाशी है, कृष्ण अजन्मा है अविनाशी भी है, और यद्यपि वे समस्त जीवों का स्वामी है, वो सारे जीवों का स्वामी है, तो भी प्रत्येक युग में वो अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। बोल रहे हैं कि वो तो अजन्मा है अविनाशी है, और ये कैरेक्टरिस्टिक जीवों का भी है, जो जीवात्माएं हैं उनका भी ही कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन जीवात्माएं जब प्रकट होते हैं, जब आते हैं भौतिक स्तर पर, भौतिक स्तर में उनको एक शरीर प्राप्त होता है, और वो शरीर जो है दो प्रकार का है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो है बना हुआ है पंचभूत में, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और सूक्ष्म शरीर जो बना हुआ है वो मन बुद्धि अहंकार। तो ये दोनों कवरिंग जो है जीवात्मा के ऊपर, तो जीवात्मा अपने आप को ये शरीर मान बैठती है इस कवरिंग के कारण, माया की कवरिंग के कारण। तो फिर जब एक
स्थूल शरीर नष्ट होता है जीवात्मा का, तो फिर वो अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरे शरीर प्राप्त करता है। दूसरा शरीर प्राप्त करता है जो अपने कर्म और अपने चेतना के हिसाब से उनको दूसरा शरीर प्राप्त होता है जीवात्माओं। तो उसको जन्म और मृत्यु का नाम दिया गया है। जन्म मतलब होता है इसको स्थूल शरीर प्राप्त करना, और फिर वो स्थूल शरीर नष्ट होने पर उसको मृत्यु बोला जाता है। फिर जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर में घूमता रहता है, फिर उसको स्थूल शरीर प्राप्त होता है। ऐसे ही वो ब्रह्मांड में घूमता रहता है जन्म मृत्यु के चक्कर में। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं होते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि वो अविनाशी हैं और वो अजन्मा हैं और समस्त जीवों के स्वामी हैं। वो जितने भी जीवात्माएं हैं वो सबके स्वामी वही हैं, और उनको प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो प्रकट होते हैं। यहाँ पर क्यों प्रकट होते हैं इसका कारण वो आगे बता रहे हैं कृष्ण। हर युग में वो प्रकट होते हैं, प्रकट होने की उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि हर जीवों का स्वामी है, हर जगत का स्वामी है, हर जगत का सृष्टा है, सब है वो, उन्हीं से सब आता है, सारे सृष्टि उन्हीं से ही स्रोत है, उन्हें वही स्रोत है सारे सृष्टि के, सारे जीव उन्हीं के स्रोत हैं। तो उनको प्रकट होने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो हर युग में प्रकट होते हैं। उसका कारण जो है वो आगे बता रहे हैं वर्ष नंबर 7 और 8 में, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कल भी पढ़ेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ भी बता रहे हैं, बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान ने अपने जन्म के विलक्षणता बतलाई है यहाँ पर। यद्यपि वो सामान्य पुरुष रहते हैं, सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों का पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व ही घटना स्मरण नहीं रहती। प्रभुपाद बड़े अच्छे तरह समझा रहे हैं कि हम लोग इतना विस्मृत होता है कि हम लोग एक घंटे पहले क्या किए हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। लेकिन कृष्ण जो है वो सारा कुछ सब कुछ याद रखे, नॉट ओनली हिज अपियरेंस डिसअपियरेंस, सारे जीवों के बारे में भी वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सब जानते वो। इसलिए 15 अध्याय में बताएंगे कृष्ण, फिर से 15 चैप्टर में फिर बताएंगे कि कैसे वो सारे जीवों को सारे जीवों के हृदय में बैठकर उनको स्मृति विस्मृति ज्ञान सब दे रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, बताएंगे कृष्ण 15 अध्याय में। तो इसलिए जीवात्माओं का स्थिति कुछ भी नहीं है। जीवात्मा जो है फुल्ली, वो एक्चुअली फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रकृति, एंड प्रकृति इज फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण जो है अपने भगवत्ता के बारे में इस श्लोक में पूरा एक्सप्लेन किए हैं। प्रभुपाद भी काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं कि कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं। आगे भी कृष्ण बताएंगे इसको अगले वर्षों में, अगले श्लोकों में। तो कल भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे कि कैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में डिस्क्राइब कर रहे हैं कृष्ण भगवान के भगवत्ता के बारे में। कृष्ण भगवान कैसे अद्वैतम अच्युतम अनंत रूपम, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, आदि आद्यम पुराण पुरुषम नवयोवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कल हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे भगवान जो होते हैं वो अपने इच्छा के हिसाब से, इच्छा के अनुसार अपने पिता माता चुनते हैं। और वो पिता माता कौन होते हैं?
वो अपने भक्तों में से जो अनन्य भक्त होते हैं उनके उन्हीं को ही वो चुनते हैं। तो हम लोग देखें प्रसंग में आगे, जब हम लोग पढ़े थे पहले नृसिंह लीला, प्रहलाद महाराज के, भगवान नृसिंह के जो लीला हुआ था, उसमें भगवान नृसिंह प्रकट हुए थे कहां से? खंबे से प्रकट हुए। तो खंबे से कोई भी पूछ सकता है कि ये भगवान भी तो पिता माता को लेके प्रकट होते हैं, तो हम लोग भी पिता माता से प्रकट होते। लेकिन भगवान का प्रकट होना पिता माता से और हम लोगों का प्रकट होना, उसमें बहुत ही अंतर है। हम लोग जब प्रकट होते हैं पिता माता से, हम लोगों को भेज दिया जाता है जबरदस्ती उसी योनि में। पहले तो हम लोग पिता के जो वीर्य होते हैं उसमें हम लोग शेल्टर लेते हैं, फिर पिता अपने वीर्य को माता के गर्भ में स्थापित करते हैं, फिर हम लोग माता के गर्भ में जाकर वहां पे हमको शरीर मिलता है, और वो शरीर फिर धीरे धीरे बड़ा होके फिर हम लोग माता के गर्भ से बाहर आते हैं। तो ये हम लोगों का, हम लोग चाहते हुए किसी को हम पिता माता नहीं चुन सकते, लेकिन कृष्णा जो है वो खुद यहाँ पे अपने जो खुद उनका जो शरीर है सच्चिदानंद स्वरूप, उसी से ही अपने पिता माता से वो प्रकट होते हैं। हम लोग पढ़े थे जब कृष्ण प्रकट हुए कंस के कारागृह में देवी की माता और वसुदेव जी से, कैसे प्रकट हुए थे, बड़े बहुत ही अच्छे ढंग से सुखदेव गोस्वामी बड़ी दिव्यता के साथ समझाए उसमें कैसे प्रकट हुए थे, कैसे वो पहले वसुदेव जी के चेतना में प्रवेश किए, फिर वसुदेव जी के चेतना से फिर उनके हृदय में आए, फिर उनके हृदय से देवकी माता के चेतना में प्रवेश किए, फिर देवकी माता के हृदय से फिर अपना देवकी माता के गर्भ में प्रवेश किए, ऐसे ही वो प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान के प्रकट होना, माता पिता चुनना, वो भगवान अपने भक्तों को चुनते हैं क्योंकि भक्तों को खुशी देने के लिए वो चुनते हैं पिता माता के रूप। जैसे रामचंद्र दशरथ माता और कौशल्या देवी को चुने थे, तो उनको उनके भक्तों को वो खुशी प्रदान करने के लिए चुनते हैं। तो लेकिन हम लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं है, हम लोगों को अपने कर्मों के हिसाब से शरीर प्राप्त होता है, कभी चींटी कभी बिल्ली कभी कीड़े कभी पौधे कभी पेड़ कभी मनुष्य जोनि। तो भगवान जो है, हम लोग नृसिंह लीला जो बता रहा था मैं, नृसिंह लीला में खंबे से प्रकट हुए, खंबे से प्रकट हुए और उनका शरीर जो था आधा नर और आधा हरि, नर हरि इसलिए उनको बोला गया है, हरि मतलब सिंह लायन होता है, आधा नर और आधा हरि। तो उसमें उन्होंने प्रहलाद महाराज के प्रति उनका इतना स्नेह भाव प्रकट हो रहा था, इतना स्नेह भाव, तो प्रहलाद महाराज को उठाकर अपने गोद में बैठाकर वो ऐसे अपने जिह्वा में चटने लगे प्रहलाद महाराज, क्योंकि उनका ऊपर भाग जो था वो हरि का रूप था, तो चटने लगे कि जैसे सिंह जैसे अपने शावक को करती है करता है वैसे ही। तो उस समय भगवान सोच रहे थे, मैं इतना प्रहलाद महाराज तो थे मनुष्य जोनि में, तो इसलिए उनको स्नेह करने के लिए मैं स्नेह ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान सोचे कि मैं मनुष्य होता तो, अगर मनुष्य के रूप में आता तो बड़े अच्छे से स्नेह कर पाता मेरे भक्त, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। उसको बड़े प्यार से चाट चाट कर बैठाए अपने गुरु। तो उस समय भगवान सोचे कि अब मैं, क्योंकि मेरे भक्त ज्यादातर मनुष्य जोनि में होते हैं, तो अब मैं मनुष्य जोनि में ही आऊं, मनुष्य मनुष्य के रूप स्वरूप में आऊंगा। इसलिए नेक्स्ट जब वह इनकार्नेशन हुआ, उनका अवतार हुआ, तो उन्होंने फिर
वामन देव के रूप में आए थे नरसिंह देव के बाद। तो इसलिए वामन देव किनको चुने, अपने पिता माता मदर आदिति और कश्यप मुनि को चुने थे। तो ऐसे भगवान अपने पिता माता को खुद चुनते हैं और खुद वो आते हैं अपने दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप में, उनका नाम रूप गुण उनका शरीर उनका सब सच्चिदानंदमय है, सब चिन्मय आनंदमय है, चिन्मय आनंद सब चिन्मय है, इसलिए कोई उसमें भेदभाव नहीं। उनका नाम रूप गुण शरीर उनका रूप सब कुछ उनके साथ जो भी रिलेटेड है वो सब सच्चिदानंद। इसलिए सोचना भी गलत है कि भगवान का शरीर जो है वो हमारे शरीर जैसे पंचभूत से बना, सोचना ही अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए प्रभुपाद कभी कभी बोलते हैं जो मायावादी लोग ये सोचते हैं ये बहुत बड़ा अपराध होता है, ये मायावाद होता है, भगवान के शरीर को हमारे शरीर के साथ कंपेयर करना, भगवान के गुणों को हमारे गुण के साथ कंपेयर करना, भगवान के कर्मों को हमारे कर्म के साथ कंपेयर करना, भगवान के जन्म को या भगवान के अपीयरेंस को भगवान के प्रकट को हमारे जन्म के साथ कंपेयर करना, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण अभी आगे आगे बताएंगे कैसे उनके भगवत्ता, फिर वो आगे बताते हैं इसके बाद कि वो क्यों प्रकट होते हैं, यद्यपि उनको जरूरत नहीं है प्रकट होने लेकिन वो प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।